तो अभी देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँच गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग कहाँ पर आए हैं देखिए, आसपास में सिर्फ आपको पहाड़ दिखेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं वालीशीश। तो ये हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ पे अभी नाइट स्टे टेंट वगैरह करके आप कर सकते हो, टेंट स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक मना सकते हो। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम है तो पूरा एक्सप्लोर करते हैं, फिर बताते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं अयांश कहीं भी जाता है तो वहाँ पे प्ले एरिया मिल ही जाता है। तो यहाँ पे अयांश को प्ले एरिया मिल गया, स्विंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, झूले वगैरह। तो अभी अयांश उसको देख करके एक्साइटेड हो गया, तो अपने डैडू को लेकर के अभी स्विंग के लिए स्विंग करने के लिए जा रहा है। तो उसे झूले देख करके बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो अभी वो यहाँ पे थोड़ी देर इन्जॉय करेगा, उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या करने के लिए ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पे अभी ऊपर जा सकते हैं हाइकिंग करके। तो अभी हाइकिंग के लिए स्पेस बना हुआ है, तो आप चाहो तो हाइकिंग करके ऊपर जा सकते हो, वरना यहाँ पे पार्क है और प्ले कर सकते हो या आप बारबेक्यू कर सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शंस है। तो अभी देखते हैं हम लोग हाइकिंग करके ऊपर जाते हैं जाते हैं। अभी अयांश खेलने में बिजी हो गया, सो अभी चलते हैं अयांश को लेकर के ऊपर हाइकिंग के लिए। तो आज हाँ वीकेंड है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है। सो अभी हम लोग अभी जा रहे हैं आगे। तो आगे अभी यहाँ पर ये माउंटेन के बीच में एक डैम बना हुआ है और काफ़ी हमने सुना है काफ़ी सुंदर डैम है। तो अभी हम लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ से हाइकिंग की भी जगह है तो हाइकिंग भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले डैम देखते हैं, उसके बाद देखते क्या करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा डैम है पहाड़ों के बीच में, दो चारों तरफ सिर्फ माउंटेन है और ये डैम है, देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू है डैम का और ऊपर हाइकिंग के लिए भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। हाइकिंग के लिए जगह बनी हुई है प्रॉपर। सो हम लोग तो नहीं जा रहे हैं, क्यों अयांश को लेकर के थक जाएंगे हम लोग भी, अयांश भी थक जाएगा। तो अभी डैम देख करके देखते हम क्या करते हैं, चलते। यहाँ पे डैम है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइकिंग के लिए जगह बनी हुई है। तो अभी देख सकते हैं अभी हम लोग बिल्कुल लेक के पास पहुंच गए हैं और यहाँ लेक का पानी देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर पूरा ग्रीन कलर का ये वाटर है। और यहाँ पे काफ़ी सारी फ़िश भी थी, तो अयांश तो देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो गया। फ़िश, अयांश को ऐसे फ़िश देखना काफ़ी पसंद है। तो और अब क्राउड भी, साथ में क्राउड भी देख सकते हैं कि कितना सारा क्राउड है आज के दिन। तो अभी मैं आपको अयांश को दिखाती हूँ। अयांश फ़िश देखने के लिए लेक के पास जा रहा था और बोला था मामा फ़िश फ़िश। सो उसको शार्क ढूंढ रहा था कि शार्क कहाँ है शार्क। सो अभी अयांश से बात करते हैं। बोलो हेलो, से हेलो। तभी इसका मूड नहीं है हेलो बोलने का, भी फिश ढूंढ रहा है। यहाँ का वेदर भी काफी अच्छा है, मतलब हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लेक है माउंटेन के बीच में, चारों तरफ माउंटेन है। और आज वीकेंड का डे है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और देख सकते हैं कि पूरा व्यू कितना ब्यूटीफुल है। तो आइए बैक कैमरे से दिखाते हैं आप लोगों को। अयांश अयांश
कलर होगा। इसको देखो, इतना सारा बोलते रेडियो कर चलो। तो अभी हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने जहाँ पे कार पार्क किया है तो वहाँ पे अभी हम लोग स्नैक्स वगैरह जो लेकर आए हैं वो कार के पास जाकर के अपनी चेयर्स टेबल्स निकाल करके बाहर बैठेंगे। यहाँ पे ऐसे ही कार लगा कर के वहाँ पर आप बारबेक्यू वगैरह टेंट डाल करके स्टे कर सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कार के पास और वहाँ पे जा कर के सब कुछ निकालेंगे और फिर देखते हैं कि कहाँ पर हमें जगह मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकेंड है तो क्राउड है। तो अभी फाइनली हम लोगों को यहाँ पे जगह मिल गई और आयांश देखिए टेबल लगा करके चेयर लगा के सेट हो गया और पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा है। गया है गाइस, अब मैं बहुत सुनने वाली हूँ। इतने प्लान करके हम लोग आए और वो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं छोटा ये गैस लेकर के आने वाली थी, बट गलती से मैं ये बारबेक्यू का ले आई। बारबेक्यू का लेके तो आ गई, उससे बड़ी गलती ये हो गई कि मैं चारकोल नहीं लाई। तो ना अब इसको जला सकते हैं और गैस तो लाई नहीं, गैस की जगह मैं उसका सिलेंडर स्मॉल साइज का सिलेंडर उठा लाई हूँ, तो उसका सिलेंडर उठा लाई हूँ और ये ग्रिलर उठा लाई हूँ, चारकोल लाई नहीं। तो अल्टीमेट मैं कुछ भी बना नहीं सकती और इतनी प्रिपरेशन आप जो देख सकते हैं अब मैं कुछ कर नहीं सकती और मैं यहाँ टेंशन में बैठी हूँ क्योंकि मुझे सुनाने वाले हैं। एक्चुअली मेरा भी मूड ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से, अभी क्या करेंगे कुछ पता नहीं। अभी देखती हूँ, कोशिश करूँगी मैं चारकोल किसी से मांगने का ट्राई करूँगी और आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते हैं अल्टीमेट मैं चारकोल मांगती हूँ या नहीं मांगती हूँ। सो अभी ट्राई करते हैं कहीं से चारकोल मांगने का, तो अगर मैं मांगती हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चारकोल मांगने का आइडिया ड्रॉप कर दिया मैंने, मेरे को मना कर रहे हैं कि चारकोल मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक चिप्स पॉपकॉर्न वगैरह खाते फिर यहाँ से जाएंगे। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं सुबह से इतनी मेहनत करके सब कुछ प्रिपरेशन करके लेकर आई थी, इवन मैं पाव भाजी चिकन पकौड़ा वगैरह भी बना के लाई थी कि वन फ्राई करके वहाँ पर खाएंगे, बट मैगी बहुत सारे प्लान्स थे बट सब पे पानी फिर गया। कभी कभी होता है, इसमें क्या है। तो देखते हैं अब घर ही जाते हैं और क्या करेंगे, तो चलते हैं अभी घर जाते हैं और फिर मिल। तो यहाँ पे आयांश चिप्स और पॉपकॉर्न भी शेयर नहीं करने वाला हम लोगों के साथ, तो मना कर रहा है। ये आयांश चिप्स मेरा है। पॉपकॉर्न आई वॉन्ट पॉपकॉर्न, नाउ तो ये पॉपकॉर्न को कॉपकॉर्न बोलता है। तो आयांश आई वॉन्ट पॉपकॉर्न, हमको भी। फाइनली गाइस अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना कुछ सामान लेके गई थी बट अनपैकिंग नहीं किया, जैसे कि पता है कि गैस लेके नहीं गए तो मैंने अनपैकिंग नहीं किया कुछ भी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेके गई हूँ, वो अनपैक करके दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो ये लूडो निकल रहा है, लूडो लेके गए थे। और यहाँ पर है ये पाव भाजी बना के मैं लेके गई थी, तो ये पाव लेके गई थी कि वहाँ पे गरम करके पाव खा सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या दिखेगा, ये देखिए ब्लूटूथ स्पीकर,
बोर ना हो इसके लिए काफ़ी सारे इंतजाम करके गए थे, स्पीकर एंड ये पावर बैंक देख सकते हैं, और ये लाइट पावर बैंक से कनेक्ट करके लाइट जला सकते हैं, तो उसके लिए ये लेके गई थी मैं। और भी बहुत कुछ है इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या क्या है। उस पन्नी के अंदर देख सकते हैं, ये मैं पाव भाजी बना के लेके गई थी, तो ये भाजी है यहाँ पे, और यहाँ पे चिकन पकौड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ये कॉकटेल समोसा लेके गए थे, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फ्रेंच फ्राई लेके गई थी मैं, और ये मिल्क चाय के लिए मिल्क चाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रेंच फ्राई लेके गई थी, और इसमें देख रहे ये मिनी समोसा है इसके अंदर, एंड इसके मिल्क है, और यहाँ पे चटनी, और इस तरीके के काफ़ी सारे स्नैक्स उसमें लेके गई थी मैं कि फ्राई करके हम लोग खाएंगे। एनी वेज गाइस, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, सो अभी घर में ही फ्राई करके खाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो अभी मैं चिकन पकौड़ा बनाने वाली हूँ। सो अभी चिकन पकौड़ा बनाने वाली हूँ मैं, तो वहाँ पे नहीं कर पाए तो अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैं घर पे आकर के। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।